आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मटर का कुरकुरा टेस्टी नाश्ता। यह बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। घर के ही सामान से ही इसे हम बना सकते हैं। देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से चीजी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी बेल की बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हरी मटर का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप मटर के दाने। इसे मैंने बॉईल करके लिया है। साथ ही हम लेंगे 3 मीडियम साइज उबले हुए आलू। आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। अभी मैं इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, जिससे इसे मिलाने में आसानी हो। अभी हम मटर को आलू के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मटर को ग्राइंडर जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मटर बारीक ग्राइंड ना करें, दरदरा ही ग्राइंड करना है। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो चिली फ्लेक्स या फिर लाल मिर्च पाउडर कम डाल सकते हैं। चटपटे टेस्ट के लिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। आप इसकी जगह चाट मसाला या फिर नींबू भी निचोड़ सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1 प्याज बारीक काट कर डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे, 1/2 कप बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे, साथ ही 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें 2 कप मोजरेला चीज़ कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर आपके पास चीज़ है तो डाल दीजिए, वरना बिना चीज़ के भी आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और मटर वाले मिक्सर को 2 टेबलस्पून जितना मिक्सचर लेंगे। इसे इस तरह से टिक्की का शेप देंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस प्रकार से सिलेंड्रिकल और थोड़े सा टिक्की का शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें 2 चम्मच भरकर कॉर्न स्टार्च और 2 चम्मच मैदा डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी का घोल हमें बनाना है। अब हम एक दूसरी प्लेट में 1 कप सूजी लेंगे। सूजी की जगह आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। अब हम एक एक टिक्की लेंगे और इस तरह से स्लरी में डिप करेंगे और इसको इस प्रकार से सूजी से कोट कर लेंगे। ऐसे ही हमें सभी कटलेट डिप करके सूजी से कोट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें सभी कटलेट डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। आप इसे तवे पर भी थोड़ा सा तेल लगाकर सेक सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा नाश्ता गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी हमारा चटपटा टेस्टी यम्मी मटर का नाश्ता रेडी है। इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और इसे सर्व करेंगे हरी चटनी और सॉस के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए यह रेसिपी आपको कैसी लगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है यह आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और इंजॉय कीजिए।